हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के लिए वीडियो नंबर 1 देखेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है जैसा कि आप जान रहे हैं, और ये सबसे ज़्यादा डिमांड किया जाने वाला ऑब्जेक्टिव है। मतलब बहुत लोग कई दिनों से कह रहे थे कि मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव करिए, तो आज वह दिन आ गया है। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। और उससे भी पहले बात बता दूं दोस्त कि जितना भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा किसी न तो किसी साल बिहार बोर्ड में ज़रूर पूछा है, आप देख लीजिएगा जा करके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में इन्होंने बोला है 3 - √3 है। मतलब हमें देख करके क्वेश्चन के अनुसार बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है या फिर जो कोई भी दिया रहेगा ऑप्शन में, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें चूज करना होगा कि कौन सा राइट आंसर होगा। ए नंबर में है परिमेय संख्या, बी नंबर में है अपरिमेय संख्या, सी नंबर में है दोनों, और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, कोई नहीं नहीं हो सकता, नो प्रॉब्लम। अच्छा, परिमेय हो सकता है, परिमेय नहीं। अच्छा, अपरिमेय, हाँ, यानी कि आज से याद रखिएगा 3 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, याद रहेगा ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखें ना, क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या बोला समझते हैं। 2 नंबर में बोला है निम्नलिखित में परिमेय है, यानी बताना है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला, बोला है √49/64। बी नंबर में ये, सी नंबर में, और डी नंबर में, सभी लोग देख रहे हैं। मैं टेक्निक बता रहा हूँ क्योंकि मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव रटा नहीं, कॉन्सेप्ट सीखा जाता है। अगर कॉन्सेप्ट सीख में मतलब आ गया समझ में तो आप कोई भी ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि कितना ऑब्जेक्टिव होता है मैथमेटिक्स का आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं है। और हाँ, एक मैं बात बोलूँगा वो आगे चल करके, अभी देखिएगा उसको पूरा लास्ट तक मैं बोल ही दूंगा उसको, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा मतलब उस बात को सुनने के लिए। ओके, देखिएगा तो आपको पता है परिमेय संख्या को हम लोग रूल कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए एक रूल होता है कि अगर किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, मतलब परफेक्ट अगर हम उसका निकाल पा ले रहे हैं स्क्वायर, तो हम कहेंगे उसका परफेक्ट अगर स्क्वायर होता है तो कहेंगे कि वह एक परिमेय संख्या है। लेकिन जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मैं नहीं बोलूँगा उसका परिमेय संख्या। ओके, जैसे कहने का मतलब क्या है, इसका हम वर्गमूल निकालना चाहे परफेक्ट स्क्वायर करके, मतलब कहने का सीधा से समझ गए होंगे ना आप कि इसका वर्गमूल नहीं हो सकता, नहीं होगा, नहीं निकलेगा, ये निकलेगा, नहीं निकलेगा। हाँ, 81 निकल जाएगा, 9 81 का वर्गमूल होता है, नो प्रॉब्लम। और इसका 1 का तो होता है, 1 का नहीं होता है, मेरे को तो दोनों चाहिए ना, तभी तो हम डिफाइन कर पाएंगे। लेकिन ये इसका देखिए जाए 47 और 88 64 दोनों आ गया, इसका मतलब कि यह हमारा एक परिमेय संख्या है ना, समझ रहे हैं ना। क्लास जैसा देखिएगा, देखो तुमसे बात कर रहा हूँ, बनियान पहन के बैठा है, हैं, कमीज पहन कर बैठो जल्दी। ओके, देखते हैं, ठंडी के दिन आ गई है। ओके, थर्ड नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में बोला √36/64, तो इसका देखिए 6 और 8, ये तो हमारा परिमेय संख्या, इसका वर्गमूल निकल गया ना। इसका देखते हैं 1/9, इसका भी वर्गमूल निकल गया, इसका मतलब ये भी हमारा परिमेय संख्या है। सी नंबर, इसको हम चेक करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, 9/7, ये भी हमारा परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये हुआ कि यह हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अच्छा, कौन हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप इसको निकालिए और पता चलेगा कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है, डन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में क्या बोला, बोला है √2 है, मतलब बताना है कि √2 कौन सी संख्या है, परिमेय अपरिमेय दोनों इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं, परिमेय तो होगा नहीं, ये कौन सी संख्या होगा सर, तो अपरिमेय संख्या होगा। यानी आज याद रखिएगा √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रैक्टिस करना होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स का एक बार से काम नहीं चलेगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करना होगा। और मैं लास्ट में क्या बोलने वाला उसको गौर से सुनिएगा। आगे π/2 ... संख्या है, तो π/2 कौन संख्या। ऑप्शन नंबर ए परिमेय, बी नंबर बोला अपरिमेय, सी नंबर में बोला ए और बी दोनों, डी नंबर बोला इनमें से कोई नहीं। परिमेय ये तो होगा नहीं ना, नहीं होगा, हाँ क्या होगा, अपरिमेय होगा। यानी आज से याद रखिएगा
बहुत लोग क्या है ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि 27 बड़ा मतलब पाई बाई टू है तो परिमेय हो जाएगा। गलत बात है, एकदम गलत है। पाई बाई टू भी क्या है, अपरिमेय है। अगला, इस क्वेश्चन के लिए मैं ऐसा ट्रिक देने वाला हूँ, ऐसा ट्रिक जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो देखिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में आंसर पर आएंगे। पहले मैं चारों नंबर्स को इधर एक बार लिखता हूँ, 8, 9, 11, 15, और सबका आपको एक बार गुणनखंड यानी फैक्टर निकाल देना है। ओके, और एक जरूर लिखना है। तो एक गुना दो गुना दो गुना दो ऐसे ही ना होगा, दो दो इन चार, छः दो नहीं आठ, और एक गुना तीन एक हो गया, एक गुना ग्यारह, एक गुना तीन गुना पाँच, ऐसे ही ना होगा। समझ रहे हैं ना, ऐसे ही ना होगा। ओके, तो अब हम चेक करें, देखिएगा जो ट्रिक बता रहा हूँ गजब का ट्रिक होने वाला है, गजब का, आज तक का पहला ट्रिक है। ऐसा ट्रिक कभी नहीं मिला होगा, गारंटी है। तो ट्रिक ये रहेगा, क्लास के स्टूडेंट्स को तो मैंने बताया है, बट सोचा कि पूरा दुनिया मतलब पूरा बिहार में इस बात को शेयर कर दूं ताकि सारे बिहार के स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिले ना। देखिएगा, इसलिए आप लोग इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को पूरा से पूरा शेयर करिए, पूरे बिहार वार में बिहार मतलब पूरे बिहार वासियों लोग को फैला दीजिए, पूरे बिहार के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके पास भेज दीजिए कि देखो कि ऐसे पढ़ा जाता है मैथ्स का ऑब्जेक्टिव। जल्दी जल्दी शेयर करिए कि एक शेयर करेगा दो का, दो करेगा चार का, ऐसे करिएगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आप लोग शेयर करिए पूरा बिहार में। ओके, जैसे पूरा बिहार का चुना हुआ ना, इसी तरीके से आपको पूरा शेयर कर देना है। समझ आया ना बात। देखिएगा, तो मैंने ट्रिक क्या बताया कि अगर अगर समझिएगा, अगर आपको आप जब फैक्टर निकाले उस फैक्टर में अगर एक से ज़्यादा काटकूट दिखाई दिया, एक से ज़्यादा काटकूट दिखाई दिया तो पक्का वह भाज्य संख्या होगा। एक से ज़्यादा दिखाई दिया तो भाज्य संख्या होगा, तो लिख दीजिए, मैं लिखवाऊंगा अभी भी। अच्छा, जिसमें एक काटकूट होगा तो वह पक्का अभाज्य संख्या होगा। तो क्वेश्चन यही ना बोला था, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या, तो एक काटकूट किस में आया, 11 में। इसलिए मैं बोलूँगा 11 एक अभाज्य संख्या है। यानी नोट नंबर वन लिखना है तो लिखिए, अगर किसी संख्या का गुणनखंड निकालने पर उसमें गुणन की संख्या एक हो, काटकूट की संख्या एक हो, अपने भाषा में समझने के लिए काटकूट की संख्या एक हो तो वह अभाज्य संख्या होता है। नोट नंबर टू, यदि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर उसके मतलब गुणनखंड निकालने पर उसमें दो या दो से एक या एक से अधिक, लिखिए ना एक या एक से अधिक होना चाहिए, एक नहीं एक से अधिक, तो पक्का भाज्य संख्या होता है। लिख लो, बहुत ब्रह्मास्त्र है, बहुत एकदम रामबाण है, इस लिख लीजिए। और हाँ, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, चलिए आगे बढ़ा जाए ना। ओके ओके दोस्त, चलिए अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर में इन्होंने क्या बोला है उसको हम बढ़िया से समझेंगे। 7 नंबर मतलब जितना भी ये क्वेश्चन है ना, सारा बिहार बोर्ड एकदम तय है, फिक्स है। और हाँ, मैं वो बात क्या बोलने वाला हूँ थोड़ी देर में बताऊंगा, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 जाते जाते बता दूंगा। 7 नंबर में क्या है, 1/√2 डॉट 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 संख्या है, 1/√2 डॉट डॉट संख्या, ये हमें बता रहा है। ऑप्शन नंबर ए परिमेय, बी नंबर अपरिमेय, सी नंबर ए एंड बी, या डी नंबर नॉन ऑफ दीज। ये चार ऑप्शन दिया, चार में से कौन सही है ये बात सबको पता है। तो कभी जल्दबाजी मत करिएगा, पहला काम करिएगा हर का परिमेयकरण। हाँ, पहचान है तो बढ़िया बात है, नहीं पहचानने वाले को मैं बोला हूँ हर का परिमेयकरण करिएगा। और अगर रूट रह गया और रूट का परफेक्ट स्क्वायर न निकले, मतलब उसका तुरंत नहीं निकले बाहर, उसका स्क्वायर रूट न निकले, तो कह दीजिएगा आप वह एक परिमेय नहीं है, यानी कि अपरिमेय है। तो चलिए इसको हम करेंगे तो आप पता चलेगा कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। अगला, पाई, पाई तो सबके जबान में रहता है, ना भी बताऊँ तो चलेगा, बताऊँ तो भी चलेगा, है ना, इसलिए लिख ही दिया ताकि काम चले, है ना। तो पाई डॉट 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 संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय, बी नंबर परिमेय, सी नंबर में दोनों, डी नंबर में कोई नहीं। तो मैं बता दूँ, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या, सबको पता है। आप देखिए इसमें बहुत कंफ्यूज करेगा, क्योंकि बहुतों का आदत होता है, पता है क्या, रूट देखो अपरिमारो, रूट देखो और अपरिमेय मारो। तो चेक कर लेते हैं ना, नीचे देखिएगा, ये हमारा क्या है सर, √3/√12, यही ना है, √3/√12। तो √3 लिख दिया और √12 का जो हम स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 2√3 आएगा, 2√3 आएगा, √3 से √3 कटेगा, क्या बचा हमारे पास, तो 1/2 बचा। और ये जो 1/2 है,
ये जो 1/2 है, ये 1/2 क्या है? तो 1/2 एक परिमेय संख्या है, न कि अपरिमेय संख्या। यानी आज से रटने वाला काम बंद, कॉन्सेप्चुअल काम स्टार्ट करिए, ठीक है। तो यानी कौन हो जाएगा, 3/12 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। इसलिए रूट देख करके अपरिमेय बोलना वाला आदत छोड़ दो, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है 1.34 का परिमेय रूप है। 1.34 को परिमेय के रूप में कैसे लिखते हैं, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला, ऑप्शन नंबर ए में बोला 67/50, बी नंबर में बोला 67/51, सी नंबर में बोला 66/50, डी नंबर में बोला 65/50। चेक करते हैं कौन होगा। देखिए, तो आपको मैं बता दूं चेक करने का तरीका, आपको पता है दोस्त, हम इसको क्या रीड करेंगे, तो 1.34 रीड करेंगे, 1.34, क्योंकि आपको पता है कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होते हैं, मतलब डेसिमल के बाद वाले जितने भी डिजिट्स होते हैं, उन सारे डिजिट्स को हम लोग 1/1 करके पढ़ते हैं, है ना। याद रखिएगा, जितने भी पॉइंट्स के बाद जितने भी अंक होते हैं, जितने भी डिजिट्स होते हैं, उन सब को 1/1 करके पढ़ा जाता है। इसका मतलब इसको हम क्या पढ़ेंगे, 1.34। ये बात सबको पता है, इस बताने की जरूरत ही नहीं है, बट बता दिया ना सबके लिए काम करना है। तो हमें बताना है वो कौन सा परिमेय है। तो अब चूंकि इसके बाद दो अंक है, इसलिए नीचे 2 0 आएगा, है ना, रेकरिंग नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पर तो 1.34 है डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, क्योंकि जो पॉइंट के बाद दो अंक है, इसलिए तो 67 × 100 = 34 होता है, 50 × 100 यानी दो अंक के कारण नीचे कितना आ गया 100। हमारा है 2 डिजिट, इस कारण से नीचे 100 आया, ओके। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है सर, ऑप्शन नंबर ये मैच कर रहा है। यानी आज से याद रखिएगा, याद नहीं करना था इसको, बस समझना था। मैं तो बार बार कर रहा हूँ कि गणित को समझा जाता है, रटा नहीं जाता है। अगला देखते हैं, अगला में इन्होंने क्या बोला है, अगला में बोला है इन्होंने कि क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में बोला है हाँ ना, इनमें मतलब दोनों और इनमें से कोई नहीं। थोड़ा हम इसको बढ़िया से विस्तार अगर हम बात करना चाहें, तो मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, जो मतलब कुछ संख्या है, दो उदाहरण लूँगा, दो पर ही एक्सपर्ट है समझने में, समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए 3 ले लिया और 9 ले लिया, आपको ये बात अच्छे से पता है कि जो दोनों संख्याएं मैंने लिया है, ये दोनों के दोनों संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, बट हमें चेक करना है क्या ये दोनों संख्या परिमेय हैं। तो आंसर आएगा सर, ये तो हमारा परिमेय है, पर ये परिमेय नहीं है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या क्या होता है, नहीं होता है, क्योंकि अगर होता तो ये भी परिमेय होता ना। तो यानी याद से याद रखिएगा, सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं होती है। इसलिए मैं हर बार करता हूँ, रटिए मत, समझिए, जड़ पर काम कर रहा हूँ आपका। अगर जड़ ठीक हो जाएगा ना, तो ऊपर तो आराम से पहुँच जाइएगा। अगला देखते हैं, अगला में इन्होंने क्या बोला है, 1/3 डॉट डॉट संख्या। तो बताने का देर नहीं करने का, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं अपरिमेय संख्या। ये सबको बात पता है, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, सब कमेंट कर दिया होगा, सबका कमेंट देखता हूँ, आप सबको देख रहा हूँ यहीं से, कौन कमेंट कर रहा है ना, सब इसका मारा है बी, हाँ सब के सब, नाम नहीं लूंगा मैं, सबका देख लिया ना, सब बी ए मारा है, और हाँ सबको देख रहा हूँ कौन कैसे बैठा है, बढ़िया से बैठ जा, बढ़िया से, समझ आया, ठीक है ना, नहीं तो यहीं से देखो ये यहीं से पहुँचाएंगे, समझ आया, यहीं से बढ़िया से बैठो, ओके। अगला देखते हैं, 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या, शांत की अशांत की कोई नहीं, कि इनमें से दोनों। तो सबको पता है कि जब इसको इससे डिवाइड करिएगा, आपको पता है ना शांत और अशांत वाला नियम, अब चेक कर लीजिएगा, जब इसको इससे डिवाइड करिएगा तो आपको आएगा अशांत। आप चेक कर सकते हैं, और पहले मैं वो बात बता देता हूँ, फिर आपको आगे बताऊँगा। वो ये दोस्त कि आप लोग देखिए, इतना ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, इस पर पैटर्न पर अभी और सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैंने क्या किया है, एक मतलब कहीं से अलग अलग बुक से ढूंढ ढांढ करके, किसी का बुक से ये लेकर के, किसी का बुक से ये लेकर के, मैं किसी न तो किसी बुक से ले लेकर के मैंने एकजुट करके पूरी तरीके से मैंने उसको ऑब्जेक्टिव के रूप में ढाल दिया है, बना दिया। ऑब्जेक्टिव था पहले से ही, बट मैंने फालतू वाला ऑब्जेक्टिव उसमें नहीं रखा है, वही रखा है जो बिहार बोर्ड का इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप चाहें उसको परचेस करना तो कर सकते हैं, उसका मूल्य केवल और केवल 35 रुपीज़ है,
₹35 है, आप उसको बाय कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और आराम से उसको मिल जाएगा। और मिलने से क्या होगा, लेने से क्या होगा सर? तो लेने से ये होगा कि आप आराम से उसको उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं जितना चाहे उतना। मैं बोर्ड पर उतना प्रैक्टिस नहीं करवा सकता ना, मैं तो आपको केवल वो नज़रिया बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा, बट उसको ले लेने के बाद आपका फिर माइंड पूरा मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव के लिए मेच्योर्ड हो जाएगा। हाँ रहा एक और चीज़, वो केवल मैथमेटिक्स के लिए है, और अगर आप चाहते हैं साइंस का भी मैं दूँ उससे भी ज़्यादा, जितना मैंने पढ़ा रहा उससे भी ज़्यादा दूँ, आप उसके लिए भी कमेंट करेंगे कि मैं उसको भी आपको बना करके रखूँगा अलग अलग कहीं से ढूंढ ढांड करके। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आप चाहेंगे लेना तो आप ले सकते हैं इजी वे में, मात्र ₹35 है, उसमें हज़ारों ऑब्जेक्टिव हैं, इससे ज़्यादा हैं, और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट बात ये कि उसमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बात भी रखी गई है, लिखा गया है, देखिए मैंने तो नहीं लिखा है बट इम्पोर्टेंट बात उसमें भी लिखा गया है, आप चाहें तो आप खरीद सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ₹35 पहले पे करना होगा फिर मैं आपको वो बुक दूंगा, ओके। तो अगर आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं कि हाँ मेरे को लेना है, मैं कोशिश करूंगा और ज़्यादा के उसको फोटोकॉपी करा लूं और पूरा एक सेट बनवा दूं ताकि आप सभी लोग बाय कर सकें, ओके। और अगर नहीं चाहते तो कोई तकलीफ नहीं, बट मैं इतना कहूंगा कि आपसे कि इतना से इससे ज़्यादा उसमें लिखा गया है, क्योंकि मैं यहाँ पर क्वेश्चन वही कराता हूँ जो बिहार बोर्ड का आता है, और अगर आप चाहते हैं अलग अलग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना तो आपको उसको ले लेना चाहिए, बस मेरा यही सजेशन होगा। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला 3+√3 × 3−√3 एक डॉट डॉट संख्या हमें बताना है, 3+√3 × 3−√3 डॉट डॉट एक संख्या है तो हमें ये बताना है, तो हम चेक करते हैं। तो आपको पता है एक बात, a+b × a−b बराबर होता है a²−b², ये सभी को बात रूल पता है ना। तो इसको मैंने मान लिया a, इसको भी ये दोनों a है, तो a² होगा हमारा 9, और √3 √3 इन दोनों का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 3, 9 में 3 = 6, जो 6 आया है वो एक परिमेय संख्या है ना कि अपरिमेय संख्या है, यानी यहाँ से याद रखिएगा कि 3+√3 × 3−√3 एक परिमेय संख्या है, यानी रूट दे करके और अपरिमेय बोलने वाला गलतियाँ नहीं करिए। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके ओके दोस्त। आज आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव का पहला क्लास था मैथमेटिक्स का, तो आज हम लोग 14 ही रखे, बट नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कम से कम 20 करेंगे और उसमें थोड़ा तेज़ हम लोग काम करेंगे, है ना। मतलब फटाफट ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आंसर बताऊँ जल्दी से, है ना। तो एक्सप्लेन भी करूँगा बट थोड़ा तेज़ लेने जाने की कोशिश करूँगा, और हाँ हर वीडियो में 20 ऑब्जेक्टिव मैं लाऊँगा नेक्स्ट वीडियो से। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी लगा कि हाँ मेरे लिए बेनिफिट हुआ है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों के पास शेयर तो कर ही दीजिए, पूरा बिहार में इसको फैलाइए। और हाँ अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।